अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास एक सिनेरियो होता है जिसके अंदर हम कहते हैं कि हमें एक वो चीज की जरूरत है। जैसे मान लो हमने अभी क्या किया, स्टैटिक स्क्रीन रेडी कर रहे हैं हम, ऐसे ही है। स्टैटिक कह लो, डायनामिक कह लो, मतलब सिंगल स्क्रीन रेडी कर रहे हैं ना, तो देर इज समथिंग विच वी नीड इज बेसिकली डैट कि वहां पे क्या हो, कोई ना कोई मल्टीपल स्क्रीन हो। जैसे आप लोग अपनी रोजमर्रा की एप्लीकेशन के अंदर देखते हो कि एक स्क्रीन नहीं होती, बल्कि काफी ज्यादा स्क्रीन होती हैं जिनके अंदर आप नेविगेट करते हो, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाते हो, दूसरी स्क्रीन से पहले स्क्रीन पे जाते हो, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। तो इस तरह ये ऐप का पूरा नया एक स्ट्रक्चर हमारे पास होता है कि उसके अंदर कितनी स्क्रीन होंगी, या उनको एंड्रॉयड की जुबान में एक्टिविटीज भी कह सकते हो। ठीक है, ठीक है। शिफ्ट्स कितनी होंगी ना उसके अंदर। जैसे मान लो आपने जस्ट एक लॉगिन स्क्रीन बनाई है, आप व्हाट विल मतलब हैपन कि अगर यूजर ने उसके अंदर अपने क्रेडेंशियल्स लिख दी है, ईमेल लिख दी है, पासवर्ड लिख दिया है, तो उसके बाद वो लॉगिन पे प्रेस करता है तो क्या होगा? दो काम हो सकते हैं, या तो वो क्या करेगा वहां पे, उसको चेक करेगा गलत है पासवर्ड ईमेल, या फिर क्या अगर वो ठीक है तो उसको किसी ना किसी दूसरी होम स्क्रीन पर वो नेविगेट करवा देगा। ऐसे ही होना चाहिए ना, या नीचे आपने एक मतलब टचेबल ओपेसिटी या बटन ऐड किया था जिसके अंदर लिखा था ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, और सॉरी डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप या फॉरगेट पासवर्ड। उसने भी बेसिकली क्या करना था, किसी और स्क्रीन की तरफ नेविगेट करवाना था। सही है, तो ये हम लोग के पास एक सिनेरियो नेविगेशंस को हम लोग पढ़ेंगे आज का दिन और कुछ आने वाले 1 2 3 दिन जितने भी हमारे आगे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे नेविगेशंस को, थोड़ा सा बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल तक पढ़ेंगे, फिर एडवांस को बाद में साथ साथ कवर करेंगे प्रोजेक्ट्स के अंदर। और ये है कि एक चीज़ मैं क्लियर करूँ कि मतलब ये कोई डिग्री तो हम लोग की है नहीं है जो हम कर रहे हैं। आपस में हम लोग क्या लोग के 3 4 5 6 लोग जो है वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना के रोजाना अपने आप को पंक्चुअल करके बैठ जाते हैं, तो उसके पीछे ना हम अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं ऐप डेवलपमेंट की तरफ। सही है, हम अपने आप को बेसिकली ट्रेन कर रहे हैं ऐप डेवलपमेंट की तरफ, और हम लोगों ने खुद सीखना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना। आपने आप चाहे मेरी वाली स्क्रीन बनाओ या ना बनाओ, मतलब आपने क्या करना है, एक दफा एक्सप्लोर करना है कंपोनेंट्स को रेड नेटिव पेपर के जो मैंने भेजे हैं। अब आज के लिए हम लोग के पास दो चॉइसेस हैं, अगर तो तुम लोग कहते हो कि कंपोनेंट्स को ही दोबारा रिव्यू किया जाए विद प्रैक्टिकल, एक दो कुछ कंपोनेंट्स फिर कवर हो सकेंगे ना। उस दिन तो मैंने मतलब ओवरऑल पास थ्रू कर दिया था। और एक हम लोग के पास चॉइस है कि हम क्या करें, नेविगेशंस में हम लोग समझे कि नेविगेशंस मतलब प्रैक्टिकली कैसे होगी, कितनी टाइप्स की नेविगेशन होती है और कैसे कैसे उनका लाइफ साइकिल होता है, प्रोसेस होता है। सही है, मैं कह रही थी कि एक दफा ये जो आपने डेमो स्क्रीन हमें दी है ना, उसमें जो मतलब लॉगिन को छोड़ के जो बाकी थी ना, उनको एक दफा जरा डिफाइन कर दे कि बेसिकली किस तरह से हो रहा है ना, उसमें चलो मुझे पहले कंफ्यूजन आ खोल रही है। खोल ले, तो फिर मैं ना आइडियाज शेयर करते हैं। एक चीज तुम लोगों ज़हन में रखो कि मैं भी तुम लोगों के साथ साथ सीख रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई वो नहीं हूँ कि मुझे बड़ी कोई डेवलपमेंट आती है, मैं भी साथ साथ सीख रहा हूँ। लेकिन वैसे हम लोग क्या करते हैं, आपस में उसको रिव्यू कर लेते हैं। आपका सोर्स ऑफ लर्निंग क्या है? मेरा सोर्स ऑफ लर्निंग मेरा भी ऐसे ही है, बस ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो, थोड़ा वो यूट्यूब से देख लो, ऐसे ही है। सही डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस होता है क्योंकि प्रायर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना मेरे, मतलब मुझे ऐप डेवलपमेंट की बेस का पता है, लाइफ साइकिल का पता है, एंड्रॉयड में मैं मतलब एक टाइम लगाया हुआ है तो लाइफ साइकिल की पता है, लेकिन क्या है डॉक्यूमेंटेशंस को रिव्यू कर रहा हूँ आप लोगों के साथ साथ। सही है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, शेयर स्क्रीन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये हम लोग के पास पहली स्क्रीन थी, ठीक है। अच्छा, ये तुम लोग जी ना ठीक अपनी है, मर्जी से कर सकते हो। कार्ड क्या करता है, हम लोग को एक बना बनाया लेआउट प्रोवाइड कर देता है, लेकिन अगर चाहो एक अपना अपनी मर्जी का व्यू बना लो, इस तरह का एक ओवरऑल एक पूरा फंक्शन बना लो, व्यू जो एक व्यू रिटर्न कर रहा हो वो ये सारा, इसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होनी हो, और ये कंपोनेंट्स लगा दो, ये लहदा लहदा टेक्स्ट कंपोनेंट्स है बेसिकली, मुझे एनोटेट करने की तो नहीं जरूरत, मैं देखता हूँ यहाँ पे ये क्या टेक्स्ट कंपोनेंट है, ये भी टेक्स्ट कंपोनेंट है, तो ये तुम लोग लगा लो और उसको एज अ मतलब उसके प्रॉप्स के जरिए इनकी वैल्यूज भेज सकते हो। ऐसे कर लो, कार्ड के जरिए करना है तो इसके मुतबादल को कार्ड देख लो, वहां से कार्ड लेआउट कोई देख लो, ठीक है। तो ये तो मैंने गूगल से लेके शेयर की थी जस्ट, और इनसे मिलती जुलती बना लेते।
सही है ना? तो चाहे ये अपना ठीक है। व्यू बना लो और चाहे इसको कार्ड के थ्रू कर लो, अपना व्यू बनाओगे तो ये सारा, ये कोई इमेज है हम लोग के पास, मान लो अपना व्यू बनाओगे तो इतना इतना ये व्यू बनेगा, और ये हम लोग के पास जो मेन हम लोग का होगा ना कंपोनेंट, जो मेन हम लोग की एक्सपोर्ट होने वाली हम लोग की स्क्रीन होगी, उसके ऊपर क्या होगा, हम लोग मल्टीपल टाइम्स इस कंपोनेंट को वहां पे इन्वोक कर रहे होंगे या टैग को इंक्लूड कर रहे होंगे, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये सारी ये हम लोग उसमें प्रॉप्स के जरिए भेज रहे होंगे, ये वाली सही है महानूर? मुझे ये कन्फ्यूजन है, जैसे ये बिटकॉइन लिखा हुआ है और उसके आगे जाके ये वैल्यू लिखी हुई है, तो ये जो बीच में स्पेस है, मैं इसको बेसिकली ना फ्लेक्स के थ्रू कर रही थी, रो पहले इसको मैंने कॉलम वाइज रखा, फिर अंदर रो वाइज करने की कोशिश की, तो मुझसे ओके नहीं था ओके, हुआ। मैं लेआउट वाइज अगर आपको समझाऊं, मान लो अगर तुम लोग अपना व्यू बनाओ तो अगर लेआउट वाइज है ना, तो यहाँ पे देखो अगर आप लोग इसको ओवरऑल फ्लेक्स 1 और 1 को कर लो, एक ओवरऑल व्यू हो जिसकी फ्लेक्स 1 है, और ये हो जाएगा ना इस तरह, ठीक है, सही है। तो वो ऊपर ठीक वाला हो भी गया। उसके सेंटर में है, मान लो नीचे वाला भी उसके सेंटर में है, सही है ठीक हो जी। गया तो जी। इस तरह उनको कर लो, और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये इसके इस तरह, सही है ना? मैंने इसको ऐसे करने की कोशिश की थी लेकिन नहीं था हुआ। क्यों नहीं था हुआ, क्या मसला आ रहा था? मैंने ये जो पूरी स्क्रीन है ना इसको रो वाइज रखा था। ये आपने, ये आपकी स्क्रीन इतनी है, आपने इस टैग को मल्टीपल टाइम्स क्या करना है, उसके अंदर इंक्लूड करना है, अगर आपने इस तरह ही करना है अपना कस्टम व्यू बना के। इस तरह का कोई क्वाड देख लो वहां से, रिएक्ट नेटिव पेपर का देख लो, रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स का देख लो, नेटिव बेस का देख लो, किसी भी आप उसका लाइब्रेरी का कार्ड देख लो वहां से, और ये क्या जस्ट हेडर का वो है, टाइटल है, और नीचे वो सारे, एक आपने इस तरह का बना लिया ना इस तरह का व्यू, तो उसी को आप क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो विद कस्टम प्रॉपर्टीज, सही है ना? ठीक हो गया। अच्छा, और यहाँ पे ये बेसिकली, यहाँ पे ये कार्ड्स हैं, ठीक है, इसको कार्ड्स की शक्ल में कर लो, कार्ड्स हैं ये बेसिकली, जी और यहाँ पे ये ऊपर हेडर है, इसको भी रहने दो, ये ड्रॉयर के लिए होता है, हम लोग इसको देखेंगे कल परसों, और ये एक सर्च वाला है, तो ये चीजें तो हमने मतलब ऑलरेडी की हैं। मसला ये है, अब ये देखें ये कार्ड है ना जो, अब इसके जो साथ टेक्स्ट शो हो रहा है ये नहीं था मेरा हो रहा, मैंने इसको नीचे टेक्स्ट मतलब तो नीचे कर कंटेंट लो शो अभी के करवाया लिए, था। या कोई ये देखो ना, उसने अब जरूरी तो नहीं है इसने वही लाइब्रेरीज यूज की हैं जो हमने की हैं, सही है ठीक ना? हो गया। तो ये आप ठीक है नीचे ठीक अभी के लिए नीचे कर लो, मेन तो चीज थी कि आपने लेआउट की प्रैक्टिस करनी थी ना। ठीक हो गया। ये इशू आ रहा था, मैं तब से इसको ना साइड पे लाने की कोशिश करते लेकिन आप साइड पे करना नहीं था जरूर, रहा। आप करना जरूर, कोई मसला नहीं है, आप ठीक करना है जरूर, अदरवाइज मतलब आप सर्चिंग भी करो, इंडेक्सिंग भी कर सकते हो इंटरनेट पे इसके हवाले से, ठीक है, कि ठीक कौन सा हो गया। कार्ड ले उठा हमारे पास जैसे करेगा। और ये बेसिकली ये बिल्कुल इजी स्क्रीन्स हैं तीन, इसके बारे में तो कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं ना चाहिए, ये तीन बना लेते, एक बना लेते कोई भी, ये सबसे इजी यही है बेसिकली, ये अवतार लगा लो इसके आगे नीचे, ये जो टेक्स्ट है और नीचे एक बटन है बेसिकली, ठीक है, ठीक है। ये इसमें तो नहीं है ना कोई मतलब मुश्किल चीज, नहीं नहीं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके आगे लॉगिन वाली थी, ठीक है, ठीक बेस्ट, जस्ट अ मिनट यार। सही है, जी ठीक है। सही है। बेस्ट हो गया। अब हम लोग आगे क्या करें, नेविगेशन को शुरू करें कि यहीं पे रहना कंपोनेंट्स पे मजीद, क्या कहते हो? देखो मुझे भी मैं तो लग रहा कहूँ, है कि मैं तो नहीं कंपोनेंट्स कहूंगा कि मतलब कंपोनेंट्स पे रहो,
अगर मैं कहूंगा तो बाकी ये सोचेंगे कि इसने काम नहीं किया शायद, इसलिए कह रहा, नहीं तो नहीं नहीं इससे आप बेटर है कि देखो, आप हम लोग बाकियों पांच से पार्ट सजेशन ले लो। हम पांच पार्टिसिपेंट्स हैं, और हम लोग ऐसे ना सोचें, आप रिलैक्स होके, इजी होके मुझे बताएं। अच्छा, बाकियों से सजेशन लो आप, बाकी क्या कहते हैं? जी महानूर, कंपोनेंट्स पे रहना, मैंने तो शाहिद, वन वोट यार मेरे ख्याल से ना बोला क्या होना चाहिए, जिन जिन कंपोनेंट्स में इशू है ना उनको सिर्फ जो है ना कर लेना चाहिए। ठीक है, दो वोट हो गए। रिम शाह, कंपोनेंट्स रिम शाह ने भी चैट में कंपोनेंट्स से कहा। कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स तीन में हम वोट हो क्या करें बेसिकली, कंपोनेंट्स में क्या चाहते हैं आप, क्या हो, मजीद लाइब्रेरीज को मतलब डिस्कवर करें कि जी, रेस्टेड। लाइब्रेरीज देख लेते हैं ना। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा जस्ट कॉन्सेप्ट दूंगा स्टैक नेविगेटर का व्हाइट बोर्ड के ऊपर, देन हम लोग अच्छा करते हैं इस पे। ऐसन, जी मजीद मजीद लाइब्रेरीज को डिस्कवर करने से बेटर नहीं कि हम एक ही लाइब्रेरी के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हीं पे ग्रिप करें? क्योंकि जितनी लाइब्रेरीज हम एक्सप्लोर करते जाएंगे हमें कंफ्यूजन होगी कि यार इस काम के लिए किस लाइब्रेरी को यूज करें, इस काम के लिए। तो इससे बेटर है कि हम एक ही लाइब्रेरी पे ग्रिप कर लें, वो नहीं बेटर? वैसे कर लेते हैं, आप कोई कोई मुझे मॉडल भेजिए ना यहाँ पे किसी ऐप का, वो भी मतलब फिजिबल हो बनाने के लिए, तो हम उसे बनाना शुरू कर देते हैं। अगर इस तरह करना है तो गूगल से कोई अच्छी सी एक फ्रंट व्यू लेके उसे डिजाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ थोड़ी सी ना, हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स व्यू बिकॉज लेके उसको डिजाइन करते हैं, सारी चीजें क्योंकि उसके इनमें अंदर से आ कुछ जाए। पार्टिसिपेंट्स ने काम भी किया हुआ है, वो भी हेल्प करते जाएंगे आपको, और साथ में आप खुद भी करते जाना। सही हो गया, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेसिकली। एक तरफ मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे रिएक्ट नेटिव पेपर की डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, और यहाँ पे मैं दूसरी तरफ खोल लेता हूँ यूआई डेमो स्क्रीन्स। तो यहाँ पे कौन सी बनाए फिर, देखो काफी ज्यादा आ रही है। ये तो सिंपल ही है ना, सिंपल ही है। अच्छा इसके नीचे आएंगी कोई। ये देखो ना, इस तरह के लॉगिन चलते हैं, थोड़े मैच्योर, थोड़ी यूनिक सिंपल, ठीक है। देखो जस्ट थीम वाजे हो रही है कि इसने ब्लू थीम यूज की है बेसिकली, स्काई ब्लू, सही हो गया ना। ठीक हो गया, अच्छा कौन सा यूआई बनाया है, तुम लोग भी एक्सप्लोर कर लो। ये था जो मैंने भेजा था, कौन सा होना चाहिए। स्क्रॉल करते जाओ। यार कोई ऐसा ढूंढो जिसमें ज्यादा कंपोनेंट्स कवर हो जाए। कोई ये वो वाले कंपोनेंट ना है जो अभी हमने लिस्ट व्यू नहीं ना पड़े, इसलिए मैं उस हिसाब से भी देख रहा हूँ। तो यहाँ पे कार्ड वाला है, इसको भी देखा जा सकता है।
आपको एक कस्टम सिनेरियो भी बता सकते हैं कि उस तरह की स्क्रीन हो बेसिकली। सही है, तो अभी हम इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, कोई भी यहाँ से पकड़ते हैं। किधर गए हो सारे? जी इधर ही है। मैं एक्चुअली अपने तौर पर सर्च कर रहा था कि अगर कोई मुझे भेजिए, मिल जाए। जरूर जरूर करें भेजिए। फिर मैं रिकॉर्डिंग को ना पॉज कर रहा हूँ तब तक। अच्छा, आपने ना कंपोनेंट बनवाना है, जो भी आप कह रहे हैं ना, आपने वो कंपोनेंट बनवाना है अभी मेरे से बोर्ड पे, तो एक अच्छी जनरल प्रैक्टिस होती है हमारी, बोर ना होना प्लीज। सही है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग के पास क्या होगा, इसको बॉर्डर को कंसीडर नहीं करेंगे वहां पे, लेकिन यहाँ पे बनाएंगे उसका ब्लूप्रिंट। मेन व्यू होगा मोबाइल ये का, यहाँ हमारा कोई मेन व्यू होगा नहीं, एक जस्ट पोस्ट का बताएं, वो तो हम स्क्रॉल व्यू के साथ मल्टीपल व्यूज चलो ठीक है। कर लेंगे। एक व्यू ये जो हो हमारे गया पास आपका होगा, इमेज शो होगा इसमें, ठीक है। या इस प्रोफाइल पिक्चर कह लो। इसके नहीं, नीचे तीन बटन यूज होंगे ये ओवरऑल व्यू है, इसके अंदर बताएं। इसके। मैं तो इंस्टाग्राम को कंसीडर कर रहा हूँ ना। इंस्टाग्राम में न्यूज फीड में किस तरह आता है, एक आपका इमेज होता है, उसके नीचे तीन बटन होते हैं, एक लाइक का, कमेंट का, या डायरेक्ट सेंड करने का। और इस इमेज के ऊपर आपका नेम लिखा होता है, इंस्टाग्राम पे कुछ होता इस तरह से है होता है। कोई नेम होता है, और उसके नीचे आपकी पोस्ट होती है बेसिकली। यहाँ पे आपका आएगा थोड़ी प्रोफाइल पिक्चर आएगी, ऐसे ही है। यहाँ पे हमारी आएगी नहीं, सिंगल पोस्ट के हिसाब से देखा जाए, एक प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे नहीं, पोस्ट के ऊपर गालिबन आएगा, ये ये ओवरऑल हमारा व्यू सेपरेट से, इसका एक सेपरेट से व्यू बनेगा। है, नहीं, ओवरऑल व्यू है। अभी इसको बड़ा कर अच्छा लेते हैं थोड़ा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आएगा कुछ नेम उसका, ठीक हो गया, लगे समझ। सही है। और यहाँ पे हमारे पास आएगी कोई सही है, पोस्ट, ऐसे, एग्जैक्टली। ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों के पास कोई लाइक का आएगा, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। ऐसे ही होगा, और यहाँ पे कोई आ जाएगा कमेंट का, और एक डायरेक्ट सेंड करने का, या जो भी जितने भी ऐड करना चाहते हैं हम, ठीक अगर है। वो हम इसको दो ही करते हैं ना उसी अभी को। के लिए, कोई मसला नहीं, वो तो उसी में हाँ हम ठीक करते है, हैं। तो ठीक ये हो हम गया। लोग पास कमेंट का आ जाएगा यहाँ पे, कोई इस किस्म का आइकन हम देख लेंगे वहां से। सही है जी। सही है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। ये हमारी पोस्ट होगी, ऐसे ही है। तो हम क्या ऐसा ही करेंगे है। शुरू के लिए, हम शुरू के लिए जस्ट बताने लगा, ये मीटिंग एंड हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। शुरू के लिए हम जस्ट इसको सिंगल व्यू, मतलब लिस्ट व्यू वाले चक्कर बन जाएंगे, वो क्या चीज़ है, ठीक है जी। और यहाँ पे अभी अभी शुरू के लिए हमारे पास कितने एलिमेंट्स बेसिकली डायनामिक होंगे, जो प्रॉप्स में जाएंगे, कोई इसकी इमेज का लिंक होगा, ये कॉपी पेस्ट नहीं होता यहाँ से, नहीं होगा आई थिंक, नहीं होता। अच्छा, उसकी कोई पोस्ट का लिंक होगा हमारे पास इमेज का, ठीक है, लिंक ठीक है, होगा, या और उसके अलावा उसका कुछ नाम होगा, एरोस लगा देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे किसी पिक्चर का लिंक होगा, सही है। तो यूआई ठीक बना रहे हैं जस्ट, हम लाइकिंग और कमेंटिंग बिहेवियर को ऐड नहीं करेंगे, लेकिन उसके आइकन्स को शो करवा देंगे, सही हो गया जी। तो ये तीन चीजें मेरे ख्याल प्रॉप्स के अंदर जाएंगी, ऐसे ही होगा ना, तीन ही चीजें जी। प्रॉप्स के अंदर, ठीक हो गया।
अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसको मैं करता हूँ सेव। यहाँ पे हमारे पास व्यू हो गया, उसके अंदर ऊपर और नीचे एक फ्लैक्स हो गई और दरमियान में दो तीन फ्लैक्स हो गई। अच्छा, मेरे मेरा जो एस्टिमेट है ना, मेरा जो एस्टिमेट है अभी शुरू के वाले से, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर तुम लोग, अगर इसको हम इस तरह लेके चले, सब लोग माइक जरा खोल लो, थोड़ा सा ना हमारा क्रिएटिव सेशन होगा ये, सही है। हे, तो जी, यहाँ पर जैसे देखो, ये एक और यहाँ पे ये एक, तो ये हम लोग के पास जैसे ऊपर मान लो फ्लेक्स वन है, जैसे दरमियान में एक हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम लोग कहें ऐसा कि ऊपर हमारे पास है कोई फ्लेक्स वन वन और नीचे भी फ्लेक्स वन है और दरमियान में यहाँ पे फ्लेक्स टू है, ठीक हो गया। कुछ इस किस्म से होगा। जी इसको चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक को वन वन दे देंगे और तीन पार्ट्स में थोड़ी थोड़ी डिवाइड होगा। हाँ, एक ऊपर भी वन और नीचे भी वन और सेंटर में टू, जो हमारी सेंटर में इमेज हो, टू, सही हो गया। ठीक है। और जो हमारे पास ये वाला व्यू है ना, ये पूरा वन वाला व्यू, और ये जो हमारे पास ये वाला व्यू है, ठीक है, इसकी हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी बेसिकली। इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, रो रो वाइज होगी, रो होगी। वाइज। रो हाँ एग्जैक्टली, रो होगी। तो हम ये भी लिख देते हैं यहाँ पे, रो वाइज होगी, सही है। और बाकी आई थिंक हमने काफी कुछ इसके अंदर कर लिया, तो हम लोग जस्ट चलते हैं उसकी तरफ, सही है। अच्छा, नहीं फिर वीएस कोड की तरफ। इससे पहले एक, पता ठीक क्या है। है, सेशन के 4 मिनट है, तो जस्ट रीज्वाइन ताकि मसला ना हो। मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया है और फौरन मैं मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ।